हादसों नूं खुला सद्दा देण वाली चाइना डोर की विक्री के उत्ते पंजाब सरकार दे वल्लों दी बैन लगाया गया, पर अजिहे लोग हाले भी कुछ हैगे ने जिहड़े कि इस डोर नूं वेच भी रहे ने अते कुछ लोग खरीद के इस दी वरतों भी कर रहे ने अते हादसों दा शिकार हो रहे ने। इस मामले दे उत्ते गंभीरता दिखाउंदे होए हुण फिरोजपुर दे लोकां दे वल्लों आवाज़ बुलंद की गई है। उन्होंने कहा कि जिहड़े व्यापारी चाइना डोर वेचते हैं उन्होंने उत्ते 302 का मामला जिहड़ा उह दर्ज होना चाहिए। नाल ही उन्होंने यह भी चिंता जताई है कि पिछले कुछ दिनों तो अजिहियां वारदातां सामने आ रही ने, अजिहियां घटनावां सामने आ रही ने जिथे कि बच्चियां दे गल तक चेहरे तक ने जिहड़े वह वड्डे गए ने चाइना डोर दे नाल ते 70-70 टांके लगे ने बच्चियां दे चेहरियां दे उत्ते जिथे कि यह तुरदी फिरदी मौत दसी जा रही है चाइना डोर। हुण इन्हां दे वल्लों दी जिहड़े फिरोजपुर दे लोक ने उन्हां दे वल्लों दी आवाज़ बुलंद की गई है कि 302 दा जिहड़ा मामला है वह दर्ज होवे अते बच्चियां नूं नाल दी नाल इस गल तों अवेयर किया जाए, जागरूक करवाया जाए कि यह डोर कितनी ज़्यादा खतरनाक है। फिरोजपुर जिहड़ा बसंत दा त्यौहार है यह वर्ल्ड फेमस है, लोग ईवन इंडिया तो नहीं फोरन तो भी सिर्फ स्पैशल बसंत मना आते हैं। किसी के ब्याह करे ब्याह होनी खुशी नहीं मनाया जाता जिन्ना बसंत का फैसटिवल खुशी ना मनाया जाता, पर जो दी चाइना डोर आई है लोगों का क्रेज़ तो बसंत का बहुत है, पर गुडे उड़ान का पतंगा उड़ान का जो क्रेज़ है वह दिनों दिन घटता जा रहा। उनका कारण भी है कि हर बंदे नूं आपदी जान प्यारी है। असी प्रशासन नूं भी यह कहना चाहते कि चाइना डोर का मुकम्मल जिहड़ा उन्हें बंद होना चाहिए, इन्दे ते धारा 302 लगनी चाहिए है। जिहड़ा डोरा वेचेगा और जिहड़ा डोरा यूज़ करेगा उन्दे ते धारा 302 का परचा होना चाहिए ताकि आने वाले समय में इन्नू बिल्कुल बंद किया जाए। इस दे नाल एक फायदा होर होएगा, जिहड़े हिंदुस्तान के जिहड़े डोरा बनाते हैं जिहड़े पुराने बंदे सीगे उन्हें भी रुजगार मिलेगा और इंडिया की भी इन्दे च तरक्की होएगी। मैं इस कारण फिरोजपुर वालों नूं भी अपील करता वा कि जिहड़ी चाइना डोर है वो आपदे पद्धर से बंद करो, जदों तुसीं खरीदोगे नहीं तो वेचेगा कोई भी नहीं जी। यही अपील है कि इनका मुकम्मल बायकट करो। अपने बच्चों को समझाने कि चाइना डोरा बड़ी खतरनाक है, उन्होंने पता ही है, बस यही है बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। बच्चों को कहन भी बच्चों तो ही यूज़ नहीं करनी चाइना डोरा, ये आपदा तो नुकसान है ही है, दूसरे का भी बड़ा नुकसान है। जो चाइना डोरा उड़ान तो बाद उत्थे तोड़ के सुट देंगे है, पशु जोड़े उन्होंने खा जाते या पक्षी से लग जाती है वह कट जाता है तो वह इलाज कौन करेगा, उनका इलाज तो आता ही नहीं, आफ्टरऑल वो डैथ ही हो जाती है पक्षी की। तो यह मतलब कि आप हिंदू धर्म तो लें आप कहने भी किसी जान माल आप नहीं नुकसान देना, किसी को हत्या लगती आप तो आप शरेआम बढ़ावा दे जाने हत्या। इस करके मेरी रिक्वेस्ट हैगी है पूरे शहर वासियों भी वो चाइना डोरा बिल्कुल यूज़ ना करन, ये बहुत जड़े परिणाम गलत निकलते हैं जड़ा खरीदा या जड़ा इसका इस्तेमाल करता है। बाकी शहर वासियों असी ये बेनती करते हाथ जोड़ के कि तुम प्लीज़ इनू इग्नोर करो, इनका इस्तेमाल ना करो, आपकी जान माल की सुरक्षा रखो तो बिल्कुल भी इनू बंद करो। बच्चे आपदे नू समझाओ और बच्चों नू मेरी अपील हैगी हाथ जोड़ के कि बच्चों चाइना डोर नहीं वरतनी, पुराना जिहड़ा मज जांदा सी उहदे नाल पतंग उड़ाओ, बहुत मज़ा आता उहदे नाल पतंग उड़ाने से, चाइना डोर का बिल्कुल ही बाइकाट करो। चाइना की डोर ने शहर बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही है, पशु पक्षियों का लोगों की जाना भी काफ़ी जा रही है इन ये बंद होनी चाहिए। साड़ी प्रशासन को अपील है कहिंदे सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त तो सख्त जुर्माना लगाया जाए और जोड़े लड़के या कोई भी बसंत दे डोर यूज़ करता है उन्हें छत्ता ते जाके उन्होंने परचे कट्टे जाण, उन्होंने माता पिता के उपर परचे कट्टे जाण, जिहड़े माता पिता शह देंदे बच्चों कोई गल नहीं तुसीं लियाओ कोई दिक्कत नहीं, कहिंदे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।